राजकोट ट्राफिक डीसीपी पूजा यादवे शहरवासियों ने हेलमेट पहेरवानी अपील करी सोई। आतके पूजा यादवे हेलमेट ड्राइव ना संकेत आप्या सोई। हेलमेट ने लईने राजकोट ट्राफिक पोलीस फरी एक्टिव थई गई सोई। डीसीपी पूजा यादवे कह्यु सोई के फेटल एक्सिडेंट हेलमेट न पहेरवाना कारणे ज थाय छे। ट्राफिक अवेरनेस प्रोग्राम मा पण अमे हेलमेट ने प्रमोट कर्यु हतु। ट्राफिक ने लगती तमाम जागृति मा हेलमेट नी जागृति सौथी महत्वनी छे। राजकोट ट्राफिक पोलीस हेलमेट ने प्रमोट करी रही छे। राजकोट पोलीस आ मामले शाळाओ मा जईने पण अवेरनेस फैलावी रही छे। ते उपरांत पोलीस कर्मीओ ने पण हेलमेट नो दंड फटकारवामां आवे छे। तो जनता हेलमेट मुद्दे ट्राफिक पोलीस ने सपोर्ट करे। हेलमेट को लेके हमारी राजकोट ट्रैफिक पुलिस जो है काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी सीरियसली इसको इशू को ले रही है कि हेलमेट जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड लोगों की ज़िंदगी से है और जितने भी फैटल होते हैं उसमें ये बात देखने में आई है कि अगर किसी टू व्हीलर पे एक्सीडेंट हुआ और उसने अगर ये डाला होता हेलमेट तो उसको डेथ को हम अवॉइड कर सकते थे। तो इसलिए मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट डालें। इस बार ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारा जो फर्स्ट इनॉग्रेशन का डे था उसमें हमने बाइक रैली निकाली विद हेलमेट। तो उसका मेन पर्पज़ यही था कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि हेलमेट जो है सभी ट्रैफिक अवेयरनेस में से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसको हर कोई ध्यान में रखें। इसके अलावा हमने कल की जो थीम रखी थी ट्रैफिक क्लोजिंग में वो भी हमने हेलमेट की रखी थी और हम काफ़ी स्कूल्स में जा जा के अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किए हैं हमने, जिसमें हमने लोगों को बच्चों के थ्रू हम चाहते हैं मैसेज जाए सब में कि हेलमेट सब लोग पहने। और हमारी साइड से पुलिस के लिए हमने हेलमेट कंपलसरी किया है। पुलिस में हमने दंड करने चालू किए हैं, मोर देन 100 हमने दंड अभी तक किए हैं एक सप्ताह में और धीरे धीरे हम चाहते हैं कि बाकी जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल उनका भी हम दंड करना चालू करें और धीरे धीरे हम पब्लिक में भी ये अवेयरनेस आए।